मानव तस्करी के आरोप में तमकुही के लोगों पर महाराजगंज में दर्ज हुई FIR, कुशीनगर पुलिस करेगी जांच। एक स्कूल संचालक सहित चार अन्य पर लगे गंभीर आरोप। कुशीनगर जिले के 5 लोगों के खिलाफ महाराजगंज में मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार की रात से सोशल मीडिया पर FIR की कॉपी वायरल होने पर कुशीनगर पुलिस भी आरोपियों के संबंध में जांच करेगी। SP धवल जायसवाल ने बताया कि मानव तस्करी का मामला होने की वजह से इस प्रकरण में गोपनीय जांच की जाएगी। महाराजगंज जिले के ठूठी बारी में के नेपाल के मुख्य प्रवेश द्वार से 17 जनवरी को SSB जवानों ने 5 लोगों को पकड़ा। उनके साथ 2 नाबालिग लड़कियां भी थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने जब उनसे जानकारी ली तो सामने आया कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए उनको धन कमाने का लालच देकर कुशीनगर में शारीरिक शोषण किया जा रहा है। किशोरियों ने तमकोहीराज क्षेत्र की एक ऑर्केस्ट्रा संचालक के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ अपहरण और मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट महाराजगंज के इंस्पेक्टर रामकृष्ण यादव ने AHTU थाना में अपहरण करके मानव तस्करी का मामला दर्ज कराया। FIR के मुताबिक इनमें तमकोही राज थाना क्षेत्र के भटवलिया निवासी अरशद अली, सेवरही थाना क्षेत्र के तमकोही रोड वार्ड नंबर 10 निवासी साकिर अली, बनराहा पूरब पट्टी निवासी दिलीप मिश्रा, जानकी नगर निवासी मोहम्मद रफीक और बेलवारी पट्टी निवासी अरशद आलम को नामजद किया गया है। मुकदमे में शामिल एक व्यक्ति स्कूल संचालक है तो दूसरे का एक राजनीतिक दल से जुड़ा है। 3 अन्य भी प्रतिष्ठित व्यक्ति बताए जाते हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में काफी वायरल होने के बाद से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर कौस्तुभ SP महाराजगंज ने मीडिया से बताया कि छानबीन की जा रही है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ मानव तस्करी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस आरोप में एक आरोपी जेल जा चुका है, अन्य की तलाश की जा रही है।